हाई गाइज, वेलकम टू एस सी गेट पी एस यू शॉर्ट ही लेक्चर प्रेजेंटेड बाई अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है बच्चों। पार्ट 3 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे टाइम एंड वर्क का, साथ में जो जो मेथड होते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मेथड सीखे थे, और एक फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, और मैं बताया था एक ही फार्मूला है जो हर जगह काम करेगा। पार्ट 3 में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ऐसे क्वेश्चन बच्चों जिसमें कोई पर्सन किसी काम को बीच में छोड़ के चला जाता है या फिर कोई पर्सन किसी काम को बीच में ज्वाइन कर लेता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आज के सेशन बच्चों इफिशियंसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, और इफिशियंसी पे बेस्ड जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं बच्चों, तो पहले प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रीवियस पार्ट देखने के लिए बच्चों प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजिली जाके वहां से प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों की इफिशियंसी होता क्या है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों, इफिशियंसी का मतलब होता है वर्क पर डे, वर्क पर डे। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूं बच्चों, तो कोई इंसान का अगर इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो वो इंसान किसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में कर पाता है, वो इंसान की वही इफिशियंसी हो जाती है। तो आई थिंक आप लोग का इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग एकदम मैं क्लियर एग्जांपल देकर समझाया था कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को ये भी बताया था बच्चों कि टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला, इसको डिराइव किए थे हम लोग बच्चों की टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। इसको मैं डिराइव करके बताया था कि फार्मूला आता कैसे। टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला होता है बच्चों, इसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म में न यूज करके इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अगर आप लोग याद होगा तो वो ये भी बताया था बच्चों कि वर्क जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, वर्क कॉन्स्टेंट होता है 95% क्वेश्चन में। इसका मतलब समझो बच्चों, वर्क कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो, मान लो अगर मैं इसको समझाऊं तो मैं बोलूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है, ये जब दोनों मिलते हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन है। अब मैं अगर ए की बात करूं बच्चों, तो एक वर्क की बात कर रहे हैं, बी की बात करें तो हम लोग उसी वर्क की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी की बात करें तो उसी वर्क की बात कर रहे हैं। यानी कि ए केस में भी वर्क सेम है, बी केस में भी वर्क सेम है, ए प्लस बी के केस में भी वर्क सेम है। इसका मतलब वहां पे वर्क क्या है, तीनों केस में कॉन्स्टेंट है, वर्क चेंज नहीं हो रहा है। तो जब वर्क चेंज नहीं होता है बच्चों, तो टाइम और इफिशियंसी में इन्वर्सली रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगी, अगर टाइम घटेगा तो इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा चुका हूँ। अगर आप लोग को याद होगा परसेंटेज में बताया था कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी रहता है, तो कैसे चेंज होता है ये आपको पता है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यूज करेंगे। अब इन्वर्सली रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर हमको टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो हम इफिशियंसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो एग्जांपल देके इस बात को मैं समझाता हूँ। मान लो कि कोई क्वेश्चन में ए और बी का टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया है, मान लो 1:2 दिया हुआ है, तो हम लोग इसके इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कि हमको पता है टाइम जो होता है बच्चों इफिशियंसी का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो 1 का इन्वर्स लेंगे तो बच्चों 1 आएगा, और 2 का इन्वर्स लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में बच्चों, तो इसको इंटीजर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं बच्चों, मान लो कि ए और बी है, अगर इसका टाइम दिया, टाइम का रेशियो दिया 3:4, तो इफिशियंसी का कितना रेशियो होगा बच्चों, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि जब कोई भी दो पैरामीटर दिया, उनका रेशियो दिया हुआ है और उनका इन्वर्स का रेशियो निकालना होता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा। ये मैं रेशियो में आप लोगों को समझा चुका हूं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बच्चों केवल दो ही पैरामीटर पर काम करेगा। अगर 3 पैरामीटर का रेशियो दिया है, मान लो कि ए और बी और सी का रेशियो आप लोगों को कहीं दिया हुआ है, टाइम का, मान लो टाइम का रेशियो दिया है 1:3 ऐसे दिया हुआ है, तो अगर इसका इफिशियंसी का रेशियो लिखना है बच्चों, तो आप ऐसे नहीं करोगे 3:1 नहीं कर दोगे, आपको इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 1 का रेशियो कितना 1 होगा, 2 का कितना होगा 1/2 होगा, 3 का कितना होगा बच्चों 1/3 होगा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाए। वो छोटा नंबर क्या होगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर में उनके एलसीएम के बराबर होता है, तो 2:3 का कितना होता है 6, यानी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और यहां पर करेंगे तो 2 होगा, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 6:3:2। तो ऐसे हम लोग इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, और इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर कहीं इफिशियंसी दिया है तो टाइम भी निकाल सकते हैं, और टाइम दिया है तो इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। जो भी इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसके लिए आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 में स्टार्ट किया था बच्चों, तो वहां पे बताया था कि अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर आप कम से कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं और बिल्कुल सही आंसर निकालना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजें पहले से एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला चीज मैं बोला था
नंबर्स का एलसीएम निकालने आपको आना चाहिए, फिर दूसरा बोला था आप लोगों को परसेंटेज का कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए, और तीसरा बोला था बच्चों कि रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इफिशियंसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक है तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है बच्चों। अगर रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और उन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख लेना अगर आपका रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, केवल पार्ट 1 पार्ट 2 देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब इफिशियंसी पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसमें कुछ टर्म यूज होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म को समझा तो कुछ टर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार टाइम का रेशियो दिया रहेगा, कई बार इफिशियंसी का रेशियो दिया रहेगा। अगर टाइम का दिया रहेगा तो आपको इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, रेशियो इफिशियंसी का दिया रहेगा तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो चीजें कैसे पहचानेंगे, तो कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं बच्चों, उन स्टेटमेंट को वन बाय वन समझते हैं उनका मतलब क्या है। एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रखता हूं बच्चों, देखो ये स्टेटमेंट दिया, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, द इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी, द इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी। यहां पे इफिशियंसी की बात किया है और बोला कि ए की इफिशियंसी बी से क्या है, दोगुना है। तो इसको इसका मतलब आप क्या समझोगे बच्चों कि ए और बी यहां पे लिखोगे और इफिशियंसी लिखोगे और इफिशियंसी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ए ट्वाइस दो मतलब दोगुना है बी के। तो बी की इफिशियंसी अगर 1 होगी तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि 2:1 के रेशियो में इफिशियंसी होगा। जब इफिशियंसी दिया है बच्चों तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी कि टाइम हो जाएगा 1:2 का रेशियो। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है बच्चों कि इफिशियंसी का इस रेशियो का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों और टाइम का इस रेशियो का मतलब क्या समझ रहे हो। तो सबसे पहले टाइम वाले से स्टार्ट करते हैं। टाइम 1:2 देने का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो ए एक दिन में काम कर पाएगा उतना ही काम बी 2 दिन में करेगा। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये होगा। अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी का मतलब ये हो गया बच्चों कि काम का 2 यूनिट हिस्सा जो है ए एक दिन में करेगा और बी कितना करेगा, 1 यूनिट एक दिन में करेगा, ये इसका मतलब होता है। अब कुछ और स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। अगर स्टेटमेंट ऐसा दिया रहेगा कि ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी, तो देखो ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी मतलब ए की प्रोडक्टिविटी ट्वाइस से बी से, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इफिशियंसी की बात कर रहा है, यानी कि एक इफिशियंसी बी से क्या है, डबल है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका भी मतलब क्या होगा, यही होगा, इसका भी मतलब यही होगा। तो स्टेटमेंट ये यूज करें या फिर ये यूज करें या फिर एक तीसरा स्टेटमेंट देख लो बच्चों कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, एक जो काम करता है दोगुना तेजी से करता है बी के। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक इफिशियंसी क्या होगी, डबल होगी। यहाँ पे ट्वाइस फास्ट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी इफिशियंसी की बात किया है, यानी कितने लोग बोलेंगे इसका भी मतलब क्या होगा, सेम होगा। इफिशियंसी ए और बी का रिलेशन क्या होगा, 2:1 का होगा। तो इन तीनों लाइन का मतलब सेम होता है। अगर किसी क्वेश्चन में तीनों लाइन यूज रहेगा तो आप उसका मतलब यही निकालेंगे। अब एक डिफरेंट स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम में दिया रहेगा द इफिशियंसी ऑफ सी इज थ्राइस देन ए प्लस बी, तो देखो यहाँ पे ये बोला गया कि सी की इफिशियंसी 3 गुना है ए प्लस बी की इफिशियंसी की। इसका मतलब यहाँ पे कैसे लिखोगे बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखोगे सी और ए प्लस बी को दोनों एक साथ बात किया है और यहाँ पे इफिशियंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, सी क्या है ए और बी की इफिशियंसी से क्या है, 3 गुना है, यानी कि ए और बी की इफिशियंसी 1 मानेंगे तो सी कितना मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा, और यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में कहीं ऐसा लिखा रहेगा बच्चों कि ए इज 60% मोर इफिशियंट देन बी, इसका मतलब क्या समझोगे बच्चों, तो ए 60% मोर इफिशियंट देन बी का मतलब क्या, इफिशियंसी की बात किया है, ए की इफिशियंसी बी से 60% ज्यादा है, यानी कि आप ए लिखोगे यहाँ पे बी लिखोगे, यहाँ पे इफिशियंसी लिखोगे, अब ए की इफिशियंसी बी से 60% ज्यादा है, तो बी कुछ ऐसा नंबर मानोगे जिसका 60% निकालना क्या हो, आसान हो। तो बी को मान लो हमने 10 मान लिया, बी को हमने 10 मान लिया, तो बी का 60% कितना होगा, मतलब 10 का 60% कितना होगा, 6 होगा, यानी कि 6 ए क्या होगा, 6 ज्यादा होगा, यानी ए कितना होगा, 16 होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों को समझा चुका हूँ, जो लोग किए होंगे मेरा क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का उनका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी इसको डिवाइड कर लेंगे, फर्दर डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो कितने लोग 8:5 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि इनका इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा, 8:5 का। अगर इन्हीं का टाइम का रेशियो निकालना हो बच्चों तो टाइम का कितना हो जाएगा, तो 5:8 का हो जाएगा। तो इफिशियंसी दिया रहेगा तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम दिया रहेगा तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ये जो है इफिशियंसी में रिलेशन दिया है, यहाँ भी इफिशियंसी में रिलेशन दिया है, यहाँ भी इफिशियंसी में रिलेशन दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम में रिलेशन देते, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, देखो जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया
पी टेक्स 50% मोर टाइम देन क्यू, यहाँ पे टाइम की बात किया, इफिशियंसी की बात नहीं किया है, तो यहाँ पे टाइम निकलेगा ना कि इफिशियंसी का रेशियो निकलेगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या निकलेगा, टाइम का रेशियो निकलेगा, और पी और क्यू दिया, तो हमने पी और क्यू लिख लिया, यहाँ पे लाइन बना दे रहा हूँ बच्चों ताकि क्लियर हो जाए। पी टेक्स 50% मोर टाइम देन क्यू, मतलब पी जो होता है क्यू जितना लेता है उसका 50% ज्यादा टाइम लेता है, तो क्यू को हम ऐसा टाइम मानते हैं जिसका 50% निकालना आसान है। अब क्यू को हम लोग ऐसा टाइम मानेंगे जिसका 50% निकालना आसान है, तो क्यू को कितने लोग बोलेंगे सर 10 मान लो, जब क्यू को 10 मान लेंगे बच्चों तो इसका 50% निकालना आसान है, 50% मतलब 5 हो जाएगा, यानी पी कितना होगा 50% ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पी कितना होगा 15 होगा, यानी कि पी और क्यू का टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2 का। जब टाइम का रेशियो पता चल गया बच्चों तो अब यहाँ से इफिशियंसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों, यहाँ पर स्टार लगा लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि इफिशियंसी दो लोगों के बीच में जो रिलेशन दिया इफिशियंसी के टर्म में दिया हो, या फिर दो लोगों के बीच में जो रिलेशन दिया हो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में देगा तो टाइम का रेशियो आप डायरेक्ट निकालोगे, लेकिन उसको यूज करके इफिशियंसी का रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें दो लोगों के बीच में इफिशियंसी का रिलेशन दिया होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें दो लोगों के बीच में टाइम का रिलेशन दिया होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं बच्चों, आप लोग को ज्वाइनिंग ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ Part-1 Part-2 में डिटेल में, फिर भी मैं आप लोग को एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर आप भूल गए होंगे या फिर कुछ लोग नए होंगे तो वो लोग इस बात को समझ जाएंगे कि दो रेशियो कैसे ज्वाइन करना होता है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों कि किसी दो रेशियो को कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ बच्चों। ये आप लोग के सामने की एग्जाम्पल है कि ए और बी का रेशियो दिया है 2:3 और बी टू सी का रेशियो दिया है 5:3, और आपसे पूछा गया है कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। अब यहाँ पे दो रेशियो को ज्वाइन करना, इस रेशियो को ज्वाइन करके आपको बताना है कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो देखो जब भी दो रेशियो को ज्वाइन करते हैं बच्चों तो उनमें से कॉमन देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने लोग बोलेंगे सर बी है। तो जब भी इनको आपस में ज्वाइन करना होगा तो बी दोनों जगह शेयर है, तो बी दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। तो देखो पहले वाले रेशियो के हिसाब से बी कितना है 3 यूनिट है, दूसरे वाले रेशियो के हिसाब से बी कितना है 5 यूनिट है, लेकिन दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट वी की वैल्यू है, तो दोनों जगह क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों कि ऊपर वाले रेशियो में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले रेशियो में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का। जब ऐसा करते हैं बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 10:15 और यहाँ पे हो जाएगा 15:9। अब देखो अब रेशियो चेंज हो चुका है बच्चों, तो यहाँ पे बी की वैल्यू पहले वाले में बी की वैल्यू 15 यूनिट है, सेकेंड वाले रेशियो में बी की वैल्यू कितनी है 15 यूनिट है, यानी कि दोनों जगह बी इक्वल हो गया। जब बी इक्वल हो गया बच्चों तो ए कितना आ गया 10 आ गया था 10, और बी कितना आ गया 15 आ गया, और सी कितना आ गया 9। तो यही आप लोगों का रेशियो हो जाएगा ए बी सी का। तो जभी भी दो रेशियो को ज्वाइन करते हैं बच्चों तो कॉमन एलिमेंट को दोनों रेशियो में क्या करते हैं इक्वल करते हैं। जब इक्वल कर देंगे तो जितना यूनिट वैल्यू आएगा उसको ए बी सी के रेशियो में हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के सामने। देखो दिया है यहाँ पर ए और बी का रेशियो दिया हुआ 3:1 का, और साथ में दिया है C:A+B का रेशियो दिया है 4:1 का, और आपसे यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ बच्चों, तो यहाँ पे चेंज का मतलब समझो। देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या ये समझो। तो देखो पहले वाले में क्या था ए और बी एलिमेंट दिया था, ए कितना है 3 यूनिट है, बी कितना है 1 यूनिट है, यहाँ पे सी कितना है 4 यूनिट है, और ए प्लस बी कितना है 1 यूनिट है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों में कॉमन ढूंढे तो कॉमन क्या मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है, और यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ए प्लस बी की कितना है 4 यूनिट है। यहाँ पे ए प्लस बी 1 यूनिट है, यहाँ पे ए प्लस बी कितना है 4 यूनिट है। दोनों जगह क्या करना पड़ेगा ए प्लस बी को इक्वल करना पड़ेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि नीचे वाले में क्या करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर वाले में किसका 1 का। तो जब ये कर लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 3:1 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 16:4 का। आप ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट वाले रेशियो में ए की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट है, बी की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है, तो ए प्लस बी कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। सेकेंड वाले रेशियो के हिसाब से सी कितना है 16 है, और ए प्लस बी कितना है 4 यूनिट है, यानी कि फर्स्ट वाले रेशियो में ए प्लस बी 4 यूनिट है, दूसरे वाले रेशियो में भी ए प्लस बी क्या है 4 यूनिट है, यानी कि हम यहाँ पे अब रेशियो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 यूनिट, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 यूनिट। तो यहाँ पे 16 यूनिट, इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1:6। ये सब बातें बच्चों आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के Part-1 Part-2 में दो रेशियो को कैसे ज्वाइन करना है विथ इन सेकेंड, ये चीज़ मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। तो अगर आपको अभी भी डाउट रह गया तो उस वीडियो का आप रिफर कर सकते हैं, Part-1 Part-2 आप देखेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी दो रेशियो को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले लिया, अगर आप भूल गए होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। अजीत वर्क थ्राइस एज फास्ट कपिल,
अजीत जो है कपिल से 3 गुना फास्ट काम करता है, यानी कि अजीत और कपिल में क्या दिया, इफिशियंसी का रिलेशन दिया है। अगर इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो ए फॉर अजीत, के फॉर कपिल, और यहाँ पे इफिशियंसी का टर्म दिया हुआ है। इफिशियंसी का मतलब 3 गुना अजीत फास्ट है, यानी कि अजीत कपिल की वैल्यू 1 यूनिट होगी तो अजीत की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना होगी, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3:1 का रेशियो आ जाएगा। यानी अजीत और कपिल के बीच में इफिशियंसी का रिलेशन कितना आएगा, 3:1 का। इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चे, इफिशियंसी का मतलब अजीत एक दिन में 3 यूनिट काम का हिस्सा करेगा और कपिल एक दिन में 1 यूनिट काम का हिस्सा करेगा। ये इसका मतलब हो गया। आगे बोला गया, इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 12 डेज, ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो खुद सोचो बच्चों, अजीत एक दिन में 3 यूनिट करता है, कपिल एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो बच्चों एक दिन में कितना करेंगे बच्चों, तो 4 यूनिट करेंगे, 4 यूनिट पर डे करेंगे, और 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल वर्क निकालेंगे, तो एक दिन में 4 यूनिट करें तो 12 दिन में कितना करेंगे, तो 12 × 4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 48 यूनिट। यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 48 यूनिट आ गया। अब इसको अकेले कौन करना चाहता है बच्चों, तो अजीत इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा यही पूछा गया है। तो टोटल वर्क पता है और अजीत की एफिशिएंसी पता है, तो कितने लोग बोलेंगे अजीत कितना टाइम लेगा, आप ये निकाल सकते हैं बच्चों कैसे करोगे। तो टोटल वर्क 48 यूनिट उसको करना है और एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर 16 डेज लगेगा उसको काम को कंप्लीट करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, इस लाइन का मतलब समझो, ए और बी के बीच में रिलेशन दिया और इफिशियंसी के टर्म में दिया है। यानी कि हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए और बी, और इफिशियंसी लिखना चाहें इफिशियंसी का रेशियो बच्चों, तो ए ट्वाइस इफिशियंट एज बी का मतलब क्या हो गया कि ए बी का 2 गुना है। यानी कि बी अगर 1 यूनिट कर रहा होगा तो ए कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट कर रहा होगा। तो ये इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया ए और बी का। आगे बोला गया इफ दे टेक 6 डेज टू फिनिश अ सर्टेन जॉब टुगेदर, ये दोनों एक मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर टाइम दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे। तो देखो ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे बच्चों तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। अब वो कितना दिन ले रहे हैं, 6 दिन ले रहे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क क्या होगा, एक दिन में 3 यूनिट करें तो 6 दिन में कितना होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 18 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बोला गया बच्चों कि हाउ मच टाइम विल दे इंडिविजुअली टेक टू कंप्लीट द वर्क, अब इन दोनों को अगर अकेले अकेले काम करते हैं बच्चों तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ए का निकालना है, क्योंकि पहले ए का बात किया फिर बी का निकालना है, तो सबसे पहले ए की बात करते हैं बच्चों। तो टोटल वर्क 18 यूनिट है और ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो 18 / 2 करेंगे, यानी कि 9 डेज लगेगा ए को काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर इसी को बी करना चाहे बच्चों तो 18 यूनिट करेगा और एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट करता है, यानी कितना दिन लगेगा उसको, 18 दिन लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, 9 और 18, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सी से आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पे पहले ए का जिक्र किया है, यानी कि यहाँ पे ए की पहले दिया होगा टाइम फिर बी का दिया होगा। अब तो एक ये प्रोसेस हो गया बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको मेथड नंबर 1 बोल दो। अगर इसको हम लोग बिना पेपर वर्क का करना चाहते हैं, रिवर्स अप्रोच से तो बिना पेपर वर्क के भी किया जा सकता है। देखो यहाँ पर देखो इस लाइन का मतलब समझो, ए इज ट्वाइस इफिशियंट एज बी दिया हुआ है, यानी कि ए बी से 2 गुना फास्ट काम करता है। तो देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर इफिशियंसी का रिलेशन दिया है 2:1 का ए और बी के, हम लोगों ने ऐसा निकाला हुआ। अगर टाइम का रेशियो निकलेगा तो कितना होगा बच्चों, 1:2 का होगा, यानी कि जितना ए जितना दिन लेगा काम करने में बी उसका जस्ट डबल टाइम लेगा। अगर मान लेते हैं कि ए अगर 10 दिन में काम करता है तो बी कितने दिन में करेगा, 20 में करेगा, क्योंकि उनका टाइम का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। अब ऑप्शन को देखते हैं बच्चों, जो भी ऑप्शन होगा एक दूसरे का डबल होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर 9:12 देखते हैं, 9 का डबल क्या होता है, 18 होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 18 का डबल कितना होना चाहिए, 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 दिया तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 12 का डबल कितना होता है, 24 होगा, ये भी नहीं आंसर होगा। बचा कौन सा, तो 9 का डबल क्या होता है, 18 होता है, यानी कि ए आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हम डायरेक्ट देख के टिक भी कर सकते थे, केवल हम फर्स्ट लाइन पढ़े बच्चों, तो फर्स्ट लाइन से ही हमको पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है। क्योंकि ए जब ट्वाइस इफिशियंटेज बी है, मतलब कि ए जितना टाइम लेगा बी उसका 2 गुना टाइम लेगा, यानी कि ए का जितना टाइम आएगा बी का आधा आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ए का जो टाइम है बी का आधा किस में हो रहा है, यही आपको चेक करना है। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 12 डेज, ए किसी काम को अकेले 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ये दिया हुआ है
और फर्स्ट लाइन में, यानी ए को 12 दिन लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में। आगे बोला गया बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। बी जो है ए से 60% मोर इफिशियंट देन बी है, मतलब कि बी ए से 60% ज़्यादा इफिशियंट है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कितने लोग बोलेंगे सर इफिशियंसी का रिलेशन दिया ए और बी में, तो यहाँ पर लिखेंगे बी और ए। अब यहाँ पे ए का जितना एफिशिएंसी होगा उसका बी क्या होगा 60% ज़्यादा होगा, तो ए को हम ऐसा नंबर मानते हैं जिसका 60% निकालना आसान हो। तो ए को हम 10 मानेंगे, तो 10 का 60% कितना होता है 6 होता है, यानी कि बी 60% ज़्यादा है तो बी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी बी इज टू ए का रेशियो आ जाएगा 16:10 का। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 8:5 का रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का इन दोनों का। ये बात सबको समझ में आ गया। इस एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि बी एक दिन में 8 यूनिट करेगा और एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट करेगा। और आपसे बोला गया कि ए इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 12 दिन में कितना यूनिट करेगा, वही टोटल वर्क हो जाएगा। यानी यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे बच्चों, तो ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 5 यूनिट कर रहा है और कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है 12 दिन में, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। ये बात सबको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा गया कि इस काम को बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल वर्क पता है, बी की एफिशिएंसी 8 है, तो कितने लोग बोलेंगे सर इजीली हम निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे बच्चों, टाइम बी के द्वारा निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई कितना यूनिट एक दिन में करता है 8 यूनिट करता है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि ये हो जाएगा 7.5 के आसपास आएगा, और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, मैं एक टीचर हूं तो मेरे को एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन देना पड़ता है, ताकि कोई कमजोर बच्चा हो तो वो भी इस चीज़ को समझ पाए। लेकिन आपको अगर एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको ये पूरी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, आपको छोटा जैसे कि यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत, डायरेक्ट आप 60 लिख लेते और आपको ये वाला कैलकुलेशन आपको माइंड में कर लोगे तब डायरेक्ट बी टिक कर सकते हो कम से कम टाइम में। आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा एग्जाम में सॉल्व करने में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी। देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में इफिशियंसी का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है भाई, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए और बी का इफिशियंसी का रिलेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। ए क्या है, दोगुना अच्छा है बी से, यानी कि बी अगर एक यूनिट कर रहा होगा तो ए कितना कर रहा होगा 2 यूनिट कर रहा होगा, ये इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा ए और बी का। और साथ में बोला गया बच्चों इफिशियंसी ऑफ बी इज थ्राइस देन इफिशियंसी ऑफ सी, यानी इफिशियंसी बी का जो है 3 गुना है सी से। यानी कितने लोग बोलेंगे सर एक और रिलेशन दिया, बी और सी के बीच में इफिशियंसी का रिलेशन दिया है, यानी कि सी अगर एक यूनिट करेगा तो बी कितना करेगा 3 यूनिट करेगा, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बी की इफिशियंसी सी से क्या है 3 गुना है। अब आगे बोला गया बच्चों इफ दे टुगेदर कैन डू द टोटल वर्क इन 10 डेज, अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो सी इस काम को एक दिन में कितना करेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया, बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, तो हम यहाँ पे ए बी सी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई, जब ये एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि तीनों मिलकर कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो रेशियो को ज्वाइन करना है बच्चों। रेशियो को ज्वाइन करने का तरीका आपको बता चुका हूँ, कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पे बी क्या है दोनों में कॉमन है तो बी को दोनों जगह क्या करना पड़ेगा आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो बी यहाँ पे 1 यूनिट है यहाँ पे 3 यूनिट है, तो कितने लोग बोलेंगे सर पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:6 हो जाएगा। अब यहाँ पे B की 3 यूनिट हो गया, यहाँ पे B 3 यूनिट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा B दोनों जगह इक्वल हो गया, यानी कि अब डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते लिख सकते हैं बच्चों। तो A अब यहाँ पे कितना है 6 यूनिट है, B कितना है 3 यूनिट है, C कितना है 1 यूनिट है, यानी इन तीनों के बीच में जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 6:3:1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी कि A जो है 6 यूनिट एक दिन में कर रहा है, B एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, सी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। जब ये तीनों मिले होंगे बच्चों तो एक दिन में कितना करेंगे, यानी कि ये जब आपस में तीनों मिल जाएंगे बच्चों तो कितना करेंगे 10 यूनिट पर डे करेंगे। और इनको काम करने में कितना टाइम लगता है बच्चों, तो 10 दिन लगता है तीनों मिलके, यानी कि एक दिन में 10 यूनिट कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना किए होंगे, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, कितने लोग बोलेंगे 10 × 10 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 100 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया सी एलोन विल डू द वर्क, सी अकेले इस काम को करना चाहता है, तो टोटल 100 यूनिट है, सी एक दिन में कितना यूनिट करता है 1 यूनिट करता है, तो कितने लोग बोलेंगे सी को 100 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया। इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी, ए की इफिशियंसी बी से क्या है 2 गुना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये तो बार बार हम निकाल चुके हैं, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आगे बोला गया इफिशियंसी ऑफ सी इज थ्राइस देन ए एंड बी बोथ,
मतलब इसका मतलब यहाँ पे समझना बच्चों, एक और इफिशियंसी का रिलेशन दिया, किसका किसके बीच में, सी और ए प्लस बी के बीच में दिया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा ए एंड बी बोथ लिखा है, तो यानी ए और बी के बीच में दिया है। अब यहाँ पे सी कितना यूनिट दिया, थ्राइस तीन गुना है, यानी कि अगर ए प्लस बी वन यूनिट होगा, सी कितना होगा, तीन यूनिट होगा। अब कितने लोग के बात समझ में आ गया बच्चों कि ए बी सी का हम लोग को क्या करना है, इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। जब ये पता चल जाएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा तो उसको सी की इफिशियंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितने लोग बोलेंगे बच्चों कि इन दो रेशियो को ज्वाइन करना है सर। अब इन दो रेशियो को ज्वाइन करने का तरीका आपको पता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब ऐसे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ भी ए और बी अलग अलग, तो यहाँ पे ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो देखो ए यहाँ पे टू यूनिट है, बी वन यूनिट है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, थ्री यूनिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी कितना है, वन यूनिट है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इस वाले दूसरे वाले रेशियो में ए प्लस बी को क्या करना पड़ेगा, थ्री यूनिट करना पड़ेगा। थ्री यूनिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नाइन हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी कितना बना रहा है, थ्री यूनिट बना रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी कितना बना रहा है, टू प्लस वन थ्री यूनिट बना रहा है। अब इन दोनों को देख के हम रेशियो निकाल सकते हैं, ए कितना है बच्चों, दो यूनिट है, बी कितना है, वन यूनिट है, सी कितना है बच्चों, तो नाइन यूनिट है। यानी ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, टू इस टू वन इस टू नाइन हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो ए बी सी का। जब ए एक दिन में दो यूनिट करता है, बी एक दिन में एक यूनिट करता है, सी एक दिन में नौ यूनिट करता है, तो जब ये जब आपस में मिल गए होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 12 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। और उनको टोटल काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 12 दिन लगता है। यानी कि टोटल वर्क कितने लोग बोलेंगे सर 12 इंटू 12 हो जाएगा, एक दिन में 12 यूनिट करते हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 इंटू 12 ये कितना होता है, 144 यूनिट। यानी टोटल वर्क 144 यूनिट आ गया। अब इसको अकेले कौन करना चाहता है बच्चों, तो सी इस काम को अकेले करना चाहता है। अब सी की एफिशिएंसी देखते हैं बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सी एक दिन में 9 यूनिट करता है, तो उसको 144 यूनिट करना है, तो कितना दिन लगेगा, टाइम सी का निकल जाएगा, तो 144 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 6 टाइम जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 16 डेज लगेगा इस काम को सी अगर अकेले कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता बच्चों कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेता, तो कितने लोग बोलेंगे सर टाइम आप ये निकालना होगा, टोटल यूनिट कितने यूनिट करना, 144 यूनिट करना, और एक दिन में ए कितना करता है, दो यूनिट करता है, तो 72 दिन लगेंगे ए को काम को कंप्लीट करने में। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा, तो टोटल वर्क 144 है और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 144 डेज लगेगा उसको काम को कंप्लीट करने में। तो इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कि या ये भी पूछ देगा कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, या फिर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपको कैलकुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप कुछ भी पूछा रहेगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये आरआरबी जेई की एग्जाम 2014 से लिया गया, बिलासपुर जोन में आया हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। टू कंप्लीट ए वर्क P takes 50% more time than Q. अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे P और Q के बीच में टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन पिछले सारे एग्जाम्पल में क्या दिया था, इफिशियंसी का रिलेशन दिया था। तो मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम का रिलेशन दिया रहेगा तो टाइम का रेशियो निकलेगा, इफिशियंसी का रिलेशन दिया रहेगा तो इफिशियंसी का रेशियो निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्वेश्चन में। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि पी और टाइम का यहाँ पर रेशियो निकलेगा पी और क्यू के बीच में। अब बोला गया बच्चों कि पी जो है 50% मोर टाइम लेता है क्यू से, यानी कि अगर क्यू को हमको ऐसा नंबर मानना है जिसका 50% निकालना आसान है, तो कितने लोग बोले क्यू को 2 मानेंगे तो इसका 50% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि पी 50% ज़्यादा है तो पी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि पी और क्यू के बीच में टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा। जब टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो निकलेगा, उसके बाद आप इफिशियंसी का रेशियो कैलकुलेट करोगे। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लेना बच्चों, आपको एक ही चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती क्या होता है बच्चों, कई बार लोग टाइम के रेशियो से ही इफिशियंसी निकाल लेते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन में इफिशियंसी का रिलेशन दिया है कि टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। If together they take 18 days to complete the work, ये दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो P जो होता है बच्चों एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है और Q एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो जब ये दोनों मिल गए होंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 यूनिट एक दिन में कर रहे होंगे। जब एक ही दिन में 5 यूनिट कर रहे होंगे, उनको काम कंप्लीट करने में 18 दिन लगता है, तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल वर्क हम निकालेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 18 दिन में कितना करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। आगे पूछा गया, हाउ मच टाइम शैल क्यू टेक टू डू इट, क्यू इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा। अब क्यू एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है बच्चों, और उसको करना कितना है, तो उसको करना है 90 यूनिट। तो 90 यूनिट
करना है और एक दिन में 3 यूनिट करना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 30 डेज उसको लगेगा काम को कंप्लीट करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है बच्चों कि जो लोग इस जो टाइम का रेशियो दिया इसको अगर इफिशियंसी का रेशियो मान लेते, मतलब उनके हिसाब से इफिशियंसी का रेशियो क्या आता, 3:2 का आता। अब क्यों कितना काम कर रहा है बच्चों, कितना दिन लगेगा क्यों करने में, तो कितने लोग बोलेंगे सर उस केस में आप क्या निकालते, वो लोग टोटल वर्क 90 तो लिखते लेकिन क्यू की एफिशिएंसी कितने ले लेते, 2 ले लेते। तो जब 2 ले लेते तो 2 यूनिट एक दिन में कर रहे थे, टोटल उसको 45 दिन लगता काम करने में। और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखो डी ऑप्शन मैच कर जाता, वो डी टिक करते और घर आ जाते, लेकिन उनका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता है। यानी ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि अगर आप गलती भी करोगे तो आपका ऑप्शन क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो आपको दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व किया है, लेकिन जब इसका आंसर किया आएगा तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को आपने गलती कर दिया। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, तो आई थिंक आप लोग को इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। किसी क्वेश्चन में इफिशियंसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर कमेंट करके बताना। दोनों क्वेश्चन में बच्चों इफिशियंसी की बात किया गया है, तो इफिशियंसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये दोनों क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका इफिशियंसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इन दोनों का आंसर निकालना है और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो ये फेसबुक पेज का आईडी है, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली 1-2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, तो डेली 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और मैं एक बात बता दूँ, मैं वही टॉपिक का क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ जो टॉपिक ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कवर कर चुका हूँ। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है बच्चों, उसका आईडी है, इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। दोनों जगह सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, तो आप दोनों में से जहां भी कंफर्टेबल हो कनेक्ट हो जाइए, आपको डेली 1-2 क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन को केवल देख के लाइक करना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को लाइक करना और साथ में सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और बाकी सारे अपडेट के लिए बच्चों ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी न्यूज होती है इस चैनल के रिकॉर्डिंग वहीं पे पोस्ट होती हैं, और जितनी भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होते हैं उनका लिंक इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर किया जाता है। और भी जितने भी पीडीएफ मटेरियल हैं सब के सब आप इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको फाइल सेक्शन में जाने पे।